हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आपके सामने फिर आया हूं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तो बिना समय गवाए मैं आपके कमेंट्स पढ़ते जाता हूं और उसका रिप्लाई करते जाता हूं ताकि आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं जो भी बात करूंगा नीट 2023 के काउंसिलिंग से रिगार्डिंग और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। चंद्र कल पुजारी सर ने पूछा है कि 290 एसटी एमबीबीएस हो पाएगा क्या। देखिए 290 में तो एसटी कैटेगरी में तो होना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको रेशियो बताता हूँ 80-20, मतलब 20% चांसेस है कि नहीं होगा, 80% चांसेस होगा। और मैं बोलूंगा 80-20 से अच्छा रहेगा, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 50% चांसेस हो सकता है, 50% चांसेस नहीं हो सकता है ना। बेटर ये रहेगा कि आप बच्चे को बोलिए कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर दे। इससे क्या होगा कि जैसे इस साल कम मार्क्स आया पर अगले साल अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो भी हो सकता है बच्चा अपना एम्स में पहुंच जाए, ठीक है। बेन हिंदी सर ने पूछा है कि सर अगर मॉपअप राउंड में प्राइवेट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या 1 लाख सिक्योरिटी वापस मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। अगर मॉपअप में भी अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो 1 लाख सिक्योरिटी आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है, जनरली 1 महीने से 2 महीने का समय, ठीक है। रमन नारायण गुप्ता सर ने पूछा है सर मेरा एससी ऑल इंडिया राय कितना है, मार्क्स 492, कैन आई गॉट एमबीबीएस सीट इन वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा। देखिए वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के बारे में तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल सीट इन वेस्ट बंगाल, उसके लिए मैं को फिर वेस्ट बंगाल का कट ऑफ चेक करना होगा, मैं आपको चेक करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट सर ने पूछा है कि ऑल इंडिया रैंक कितना है, स्टेट एससी रैंक कितना है, एससी दिल्ली में एनी पॉसिबिलिटी गेट जीएमसी आल्सो पॉसिबल प्लीज मेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूजर एलवाई पूछा है ना सर नीट फॉर्म में ओबीसी एनसीएल डाला था बट इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो क्या मैं जनरल में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। हाँ, आप जनरल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए कोई भी कैटेगरी का बच्चा ना आपको जनरल में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए जनरल का एक अलग रैंक निकलता है और कैटेगरी का अलग रैंक नंबर निकलता है। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैटेगरी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैटेगरी चेंज भी नहीं होता है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये नहीं कि आपके पास जनरल से यूआर से भर दिया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आ गया तो मेरे को ईडब्ल्यूएस से भर, नहीं, वो चेंज नहीं होता। ईडब्ल्यूएस जनरल चला जाएगा और जनरल EWS नहीं जा पाए, ठीक है। लिमिट 231 सर ने पूछा है कि सर मेरा प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू डू अपग्रेडेशन सीट इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज, आल्सो हाउ इज दी रिलोकेशन फीस फॉर दी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर अपग्रेडेशन की बात किया जाए तो जब आप एडमिशन लेते हैं ना किसी कॉलेज में तो वहीं पर आपको पूछा जाता है कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं कि आप इसी कॉलेज से सेटिस्फाई, आपको वहीं पर फिलअप करना पड़ता है, उसके हिसाब उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अपग्रेडेशन में आपने डाला है और सेकेंड राउंड में अगर आपको मिल गया तो आपको फर्स्ट राउंड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, सेकेंड राउंड ही आपका मान्य रहा है। तो सेकेंड राउंड में आपको वही कॉलेज भरना है जिसमें आप कंफर्म हो कि उसको छोड़ के मैं इसमें चला जाऊं, है ना। ये नहीं कि जो बच गया सबको भर दिए तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर मैं नीट का पेपर महाराष्ट्र में दिया हूँ और मेरी स्टडी भी महाराष्ट्र में हुई है बट डोमिसाइल सीजी का है तो क्या मैं नीट रजिस्ट्रेशन सीजी में कर सकता हूँ। देखिए आपके पास डोमिसाइल सीजी का है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था फरवरी या मार्च में, जब भी फिलअप किया था आपने तो उस समय आपने स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या रखा था, स्टेट क्या चूज किया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय आपने सीजी यूज किया था तो बिल्कुल सीजी का आप डोमिसाइल दिखाइए, यहाँ कर रजिस्ट्रेशन करा के आप पार्टिसिपेट कीजिए। और उस समय अगर आपने नहीं लिखा है, अगर आपने महाराष्ट्र का लिखा है तो फिर उस समय डोमिसाइल रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो रैंकिंग्स वगैरह बनेगी ना वो आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो आपने चूज किया उसके बेसिस पे बनेगा। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप कहीं से भी नीट का फॉर्म भरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं से भी आप 11th 12th किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फॉर्म में कौन सा स्टेट ऑफ डोमिसाइल भरा है पहला, और क्या उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है कि नहीं दूसरा, ये जरूरी है। और ये भी सिर्फ स्टेट कोटा ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऑल इंडिया कोटा का देखना है जो लगभग 15% होता है उसके लिए कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं। अगर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस का देख रहे हैं जो ओपन स्टेट है तो वहां पे कोई भी डोमिसाइल की जरूरत नहीं। जैसे एमपी का देखा जाता है, एमपी क्लोज स्टेट है, वहां पे आप प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते तो वहां पे आपको डोमिसाइल की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वहां पे आपको एडमिशन ही नहीं होगा। और अगर सीजी ओपन है तो यहां पर भी एडमिशन के लिए डोमिसाइल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी प्राइवेट में, ठीक है। चलिए बाकी तो मैं बता दिया। सर नमस्कार, मेरे बच्चे का स्कोर 594 है, जनरल कैटेगरी झारखंड से हूँ, ऑल इंडिया रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक में समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरे बच्चे को ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा दोनों में से कहीं कॉलेज मिलने की संभावना है, ये इसका थर्ड अटेम्प्ट है, BDS, BEMS, BEMS, BHMS, BUMS में एडमिशन लेके पार्शियल ड्रॉप भी नहीं करना चाहता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, बुरा नहीं मानिएगा, मनोज कुमार झा जी है ना,
हालांकि मैं तो बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ, 594 जो है ना इस बार के लिए, और आप शायद इसमें कैटेगरी लिखे हैं कैटेगरी रैंक, हाँ ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक मतलब हो सकता है मे बी आप EWS से है क्या, EWS जेके जनरल में तो आप होंगे क्योंकि आप जनरल लिखे हैं, कैटेगरी झारखंड, अच्छा झारखंड। अगर आपके पास EWS है ना तो मे बी थोड़ा बहुत चांसेस है, मैं आपको ही बात बता रहा हूँ। 594 मार्क्स है, अगर आपके पास EWS कैटेगरी है तो 90-10 का रेशियो रखिए, 90% आपको मिल सकता है झारखंड स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में तो नहीं मिल पाएगा, और 10% चांसेस है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास EWS का भी सर्टिफिकेट नहीं, अगर आप प्योर जनरल में हैं तो बहुत कम चांसेस है, 50-50% चांसेस है। और आप लोग देख भी सकते हैं, जो CG के बच्चे वो देख भी सकते हैं, झारखंड और बिहार में कट ऑफ ज्यादा जाता है, वहां पे 594-600 तक कॉलेज नहीं मिलता। तो मैं तो बोलूंगा सारे बच्चों को बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, है ना, ठीक है। तो मार्गदर्शन देखिए, मार्गदर्शन सिंपल सा है, एक बार और ड्रॉप दिलाइए, मैं आपको फिर यकीन बताता हूँ, पार्शियल ड्रॉप आप BDS करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगले साल बच्चे का MBBS अगर क्लियर भी हो जाएगा तो आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि फिर उसमें आपको ये बॉन्ड रहता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रहता है, वो सब आपको BAMS में भी आजकल है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, है ना। और प्राइवेट में आप बोल ही रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में कराने की बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो मुझे अगले वर्ष हेतु तैयारी करवाना चाहिए, अभी से काउंसलिंग का इंतजार करना चाहिए। नहीं, काउंसलिंग तो आप करते रहिए, काउंसलिंग में क्या मेहनत लगता है, आप हमें हायर कर लीजिए ना, हम आपके बदले काउंसलिंग कर लेंगे, उसमें लगता क्या है। नहीं तो फिर आप भी कर सकते हैं ना, मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करते रहूंगा ना, है ना। काउंसलिंग तो आप करिए, काउंसलिंग नहीं करना मतलब पहले से हार मानने के जैसा, मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर आप फिर कटअप ये सब क्यों बताते हो, मैं इसलिए बताता हूँ ना कि एक आपको उम्मीद हो जाए। जैसे मान लो किसी का अगर CG में है और उसका मान लीजिए 570 मार्क्स है, अब वो चाहता है कि मुझे बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो भाई आपको मिल जाएगा, आराम कीजिए। लेकिन कोई बच्चा है 520 है, अब वो भी जनरल में है, अब उसको दुविधा है कि मैं तैयारी करूँ कि काउंसलिंग करूँ, तो उसके लिए भैया तैयारी करो, काउंसलिंग भी करो, क्या पता मिल जाए, लेकिन तैयारी शुरू कर दो। तो वही सिचुएशन आपके साथ है, आपके बच्चे का 594 है, आपको बिल्कुल तैयारी बच्चे का शुरू करवा देना चाहिए। और मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, चूंकि मुझे लग रहा है कि सब कुछ ओके है, तो बच्चा बिल्कुल अगर सिंसियर है तो उसको ऑनलाइन पढ़ाइए, कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं, आपका खर्चा बहुत कम लगेगा, आपको हार्डली 10-15 हज़ार रुपये साल में आपका पूरा पढ़ाई का खर्चा हो जाएगा। तो ये अब मैं आपको बोलूंगा कि ऑनलाइन करवा दीजिए, सबसे बेस्ट है, बच्चा तो अगले साल बिल्कुल एम्स में पाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, मेरा आशीर्वाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SR बैनर्जी सर ने पूछा है कि सर जी मेरा नंबर 410 है, SC कैटेगरी फीमेल, क्या मुझे CG गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, मैं मॉपअप राउंड तक मैं CG से ही हूँ। अच्छा, CG से है 410 में आपको, देखिए 410 तो SC के लिए थोड़ा कम हो जाएगा, 90-10 का रेशियो, 90% मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि नहीं मिलेगा, 50-50 से भी कम रेशियो है, अब जाके तैयारी शुरू कर दी, अगले साल बिल्कुल आपको एम्स मिल जाएगा, जाइए। नेक्स्ट है, 2018 बैच के स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, क्या उनको, अच्छा नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू के बारे में पूछ रही है, ऑफ टॉपिक है, बाद में इसको बोलेंगे। नमस्कार सर, हम महाराष्ट्र से हैं, हम मूवी से हैं, मेरी गुड़िया का, मेरी बेटी का 449 मार्क्स है, इस साल कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, और महाराष्ट्र में पिछले साल की तुलना में 4000 ज्यादा क्वालिफाई हुई है, इसीलिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, आपके मार्गदर्शन के कारण हमारे बहुत सारे प्रश्नों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन है, प्रश्न आ गया, प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में कुछ आरक्षण होता है क्या, CG में प्राइवेट कॉलेज में मॉप अप राउंड से कितने सीट खाली रहती है, अपने अनुभव से बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इनका ये कहना है प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में कुछ आरक्षण रहता है क्या। देखिए, मैनेजमेंट कोटा में आरक्षण रहता है इसका मतलब क्या है, मैं ये समझ नहीं पाया, मतलब मैनेजमेंट कोटा तो फिक्स है ही ना, ये कोटा बना दिया गया मैनेजमेंट कोटा है जिसमें इंडिया के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और CG वाले। अच्छा, कैटेगरी अगर पूछिएगा जो OBC EWS SC ST, तो देखिए महाराष्ट्र का आपके पास सर्टिफिकेट है ना, वो छत्तीसगढ़ में वैलिड ही नहीं है, छत्तीसगढ़ की तो जो बाउंड्री है उसमें नहीं चलेगा, या छत्तीसगढ़ का जो सर्टिफिकेट है ना वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, और सर्टिफिकेट जो है ना वो स्टेट का मैटर होता है, यानी स्टेट बनाती है, यानी अगर मान लीजिए मेरे पास SC का सर्टिफिकेट है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में मैं SC हूँ, बिहार में जाऊंगा तो मैं जनरल हूँ, या फिर महाराष्ट्र में जाऊंगा तो मैं जनरल हूँ, तो वही प्रॉब्लम है आपका, वो सर्टिफिकेट जो है ना जो भी कैटेगरी का है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, यहाँ पर वैलिड इसलिए नहीं क्योंकि रूल है, ये पूरा रूल ही बना हुआ है कि जिस स्टेट का सर्टिफिकेट है उसी स्टेट में वैलिड है, या तो फिर सेंटर में वैलिड है, ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं है, तो वही बात यहाँ पे हो जाता है आपको। आप मैनेजमेंट कोटा में आएंगे, फीस आपको सेम है, दोनों का सेम है, और आपने मार्क्स क्या बताया था, 449 मिल जाएगा आपको, 400 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा मैनेजमेंट कोटा का, निश्चिंत रहिए।
ठीक है, नीट एस्पिरेंट 6680477 एससी में क्या सीन्स मिल सकता है, 477 एससी देखा जाए, 477 एससी, एससी ईडब्ल्यूएस एससी 477। क्या बोला आपने, सीम्स नहीं, सीम्स बिलासपुर तो मुश्किल है। मैं आपको इनफैक्ट ये भी बोलूंगा कि आपको जो है ना 477 है ना, 477 अच्छा बिलासपुर है ना, सॉरी मैं गलत देख लिया था, हाँ 477, हाँ 477 मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो है ना 477 एससी सीम्स बिलासपुर मिल सकता है क्या, नीट एस्पिरेंट 6680 मिल जाएगा मेरे अनुसार आपको, जो एससी में जो कट ऑफ जाएगा, देखिए 454 लास्ट ईयर का है, मतलब 2022 का है, इसमें बस आप 7 मार्क्स बढ़ा दो तो 54 और 7 कितना होता है, तो 54 और 7 होता है आपको 461 और आपका 77 है, 100% आप मिल जाएगा बिल्कुल निश्चित है सिम्स, मतलब इसके नीचे पूरा मिल जाएगा, रायपुर छोड़ दीजिए, रायपुर का 500 से ऊपर ही जाएगा, रायपुर छोड़िए बाकी सब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रानीगढ़ है ना सर, 565 नंबर जनरल कैटेगरी राजस्थान से सर हमें छत्तीसगढ़ के श्री शंकर स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, 465 मार्क्स, फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा, आप इस कैटेगरी में आएंगे, इधर इधर है ना, इधर कैटेगरी, एक मिनट, इस कैटेगरी में आएंगे मैनेजमेंट कोटा, इसमें यहां से भी दिख सकता है आपको, आप इसमें आएंगे मैनेजमेंट कोटा, 331 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, फर्स्ट में नहीं मिलेगा सेकंड में मिल जाएगा, अदरवाइज मॉपअप में 100%। हाँ फिर से देखा जाए, हाँ सर प्लीज रिप्लाई मी आई गेट जीएमसी इन 403 मार्क्स एससी, 403 में जीएमसी, 403 में जीएमसी देखा जाए एक बार, 403 में जीएमसी कहाँ हो पाएगा, एससी में भी तो है, नहीं हो पाएगा ना बेटा, बस तैयारी शुरू कर दीजिए, 50% से भी कम चांसेस है। संदीप कुर्रे जी है ना, ठीक है सर, गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा प्लीज रिप्लाई, देखिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना तो मैंने उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उसमें से बहुत सारे सर्टिफिकेट है, आप एक बार पढ़ो तो सही, वहां पे डाउनलोड करके उसमें लिखा हुआ है ना, आप देख लीजिए। सर माय स्कोर इज 444 ईडब्ल्यूएस सीजी डोमिसाइल एमबीबीएस में कोई चांसेस है क्या, 444 ईडब्ल्यूएस, 444 ईडब्ल्यूएस, 444 कहां चांसेस है, 50-50 से भी कम है ना, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी अगले साल के लिए, अदर काउंसलिंग तो करना है, मैं हर किसी को बोलूंगा काउंसलिंग, अगर आप 100 मार्क्स के भी रेंज में आ रहे हैं काउंसलिंग कीजिए, काउंसलिंग में कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत नॉमिनल से अमाउंट लगता है और 1000 रुपए या 2000 रुपए काट के आपका रिफंडेबल रहता है। ठीक है, तो काउंसलिंग तो कर लीजिए, उसमें क्या लगा हुआ है। सर माय स्कोर इज 473 फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कोटा सीजी डोमिसाइल कैंडिडेट जीएमसी 9010, 473 9010 ईडब्ल्यूएस है ना, मिल सकता है लेकिन बहुत मुश्किल से, लास्ट के ही मिलेंगे। सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, बेटा 10 तारीख के आसपास स्टार्ट होगा, कुछ कह नहीं सकता हूं मैं, जब तक नोटिस नहीं आएगा मैं भी कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, नोटिस आते ही सबसे पहले मैं ही वीडियो बनाऊंगा, निश्चिंत रहो। चलो सर आई एम गेटिंग 490 मार्क्स सीजी डोमिसाइल कैंडिडेट कॉलेज मॉप अप राउंड एनी चांस, सीजी 419 में कैटेगरी आपने नहीं लिखा है, अब कैटेगरी नहीं लिखा तो आप, मैं बता नहीं पाऊंगा लेकिन आप इसमें से देख लो ना, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, मेरे बेटे का 139 स्कोर है एससी कोटा एमपी में कौन सा कॉलेज मिलना है, एमपी का तो देखिए सर मैं बहुत ज्यादा अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं एमपी का पूरा डिटेल लूंगा तभी पढ़ा पाऊंगा, अभी अपन सीजी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सर काउंसलिंग तो भी लेट हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, 547 सीजी डोमिसाइल पढ़ना चालू कर दूं क्या, श्रेया बसु जी ने पूछा है, 547 मार्क्स, श्रेया देखो बेटा कैटेगरी आपने नहीं लिखा है तो मैं मान के चलूं कि आप जनरल से हो, तो 547 मतलब आपको गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन कौन सा मिलेगा इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ना, तो श्रेया मैं तो बोलूंगा कि अगर पढ़ाई भी शुरू कर दीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं है, है ना, और नहीं तो फिर 2 महीना तो फर्स्ट राउंड में थोड़ा मुश्किल भी जाएगा आपको शायद सीट मिले, सेकेंड में ही चांसेस रहेंगे, मतलब मान के चलो 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। ठीक है सर फ्रॉम दिल्ली मार्क्स 402 सिम्स मिल जाएगा, हाँ 400 से ऊपर है मिल जाएगा, ट्राई कर लीजिए एक बार, सीजीटीएमई की काउंसिलिंग होती है। सर 490 ईडब्ल्यूएस कौन सा राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, 490 ईडब्ल्यूएस के लिए कम नहीं होता, फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा बिल्कुल निश्चिंत रहे। 563 मार्क्स झारखंड डोमिसाइल एनी चांस हियर इन सीजी, 503 गवर्नमेंट में चांस नहीं है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में 600 से ऊपर जाता है, प्राइवेट में तो पहले ही राउंड में मिल जाएगा, आप चाहे तो ले सकते हैं। 541 में दुर्ग मिलेगा यूआर कैटेगरी, 541 में दुर्ग मिलेगा, अरे आप इस टेबल को देखिए ना, इस टेबल में आपको समझ में आ जाएगा, देखिए जनरल है। ठीक है अब 541 है आपका मार्क्स, मतलब यहाँ पे समझिए तो दुर्ग का मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 528 प्लस 15, ये 2000 ये है ना, ये 528 जो लिखा हुआ है ना 2022 का है, अभी 2023 का बनाना है तो इसमें 20 मार्क्स जो 15 मार्क्स जोड़ दीजिए, तो 528 10 538 और 5 40 है ना 43 543 में आपको मिल जाएगा, और आपका कितना है
541, हाँ मिल सकता है ना, मिल सकता है, बहुत प्रबल चांसेस है ना, 95%। ठीक है सर, मेरा मार्क्स 521 ओबीसी में है तो क्या है कि ग्रेटेस्ट पेपर एनालिसिस इन विच राउंड, 521 ओबीसी है ना, 521 ओबीसी, 521 ओबीसी है ना, 521 ओबीसी, 521 ओबीसी मिल तो जाना चाहिए है ना, मैं एक बार एक रुपये, हाँ 521 ओबीसी, 521 ओबीसी, 521 ओबीसी कम थोड़ा हो गया, 9 मार्क्स कम आ रहा है। आप ऐसा कीजिए एक बार काउंसलिंग कर लीजिए, 90-10 का रेशियो, 90% मिलेगा 10% नहीं मिलेगा, पर पढ़ाई तो साइड से शुरू कर दीजिए। ठीक है, स्वाति रावत सर, स्वाति रावत ने पूछा है सर 200-320 SC प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या छत्तीस, SC से है 320 तो बहुत हो गया, आपको 200 में मिल जाता है, प्राइवेट SC में आपको 200 में मिल जाता है, ये देखिए एकदम निश्चिंत रहिए मिल जाएगा, प्राइवेट मिल जाएगा, गवर्नमेंट का चांस कम। ठीक है सर, 526 मार्क्स, 84,000 रैंक कैंडिडेट SBIMS, 526 मार्क्स में आप राजस्थान डोमिसाइल, आप डोमिसाइल खत्म हो गया ना, अब आप प्राइवेट में बात कर रहे हैं तो डोमिसाइल का मतलब ही नहीं है, बस इंडिया के नागरिक होने चाहिए, वो आधार कार्ड से समझ में आ जाता है, तो 526 में आपको पहले ही राउंड में मिल जाएगा, 526 समझ रहे हैं, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मार्क्स हो गए। साही जायसवाल, 594 ओबीसी से कौन कोई गवर्नमेंट कॉलेज, आप इसको देखो ना बेटा, 594 मतलब 600 के आसपास, आप इसको पढ़ना सीखो तो सही, ये ओबीसी है, 594 कहाँ जाएंगे अपन, यहाँ पे है ना, मतलब आपको पहला छोड़ के रायपुर छोड़ के सब मिल जाएगा है ना, सिम्स बिलासपुर के नीचे मिल जाएगा, क्योंकि 577 प्लस 9 करोगे कितना होगा, 77 प्लस 714 584 है ना, तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन सिम्स मतलब जीएमसी रायपुर का 600 से ऊपर जाएगा, बाकी सब आपको मिल जाएगा है ना। ठीक है एक मिनट, और भी कुछ सर लोग का जो रिस्पॉन्स आया है ना, सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, सर रजिस्ट्रेशन जो है वो तो 10 तारीख के बाद ही स्टार्ट होगा, 10 तारीख के लगभग। सर मेरा स्कोर 534 ओबीसी सीजी डोमिसाइल, कितना परसेंट चांस है जीएमसी मिलने का, वही बात है, आप इसमें देखिए तो सही है ना। एक सर का थोड़ा एक व्हाट्सअप आया था, मैं उसको सर को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मैं उनका नाम लिखे, ये लास्ट मेरा कमेंट्स रिप्लाई रहेगा, उसके बाद फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसी में मैं देखूंगा। हाँ अशोक शिल्पीकार जी ने पूछा है सर माई डोमिसाइल SC कैटेगरी 440 मार्क्स में MP में एनी गो चांस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल, अच्छा MP में आपको खुद देखना है, ठीक है तो MP का तो कट ऑफ देखना होगा। धन्यवाद सर जी, सर नॉन डोमिसाइल, आज सुबह में मैं देखा था एक पांडे सर ने पूछा था, हाँ पंकज पांडे जी देखिए, हाँ इन्होंने क्या बोला, सर जस्ट लेट मी नो द सेफेस्ट स्कोर एंड रैंक ऑफ यूर कैटेगरी CG डोमिसाइल कैंडिडेट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन इन द प्राइवेट। देखिए मतलब इनका ये सर का ये कहना है, हाँ श्रिया जी ने भी इसी पे रिप्लाई किया, एग्जैक्टली सर इनका ये कहना है कि मेरी गुड़िया का 547 आया है और आपने बोला है 98% कन्फर्म है, लेकिन 2% काहे छोड़ दिया, आप 100% क्यों नहीं बोले। देखिए क्या होता है पंकज जी, थोड़ा सा दुविधा तो हमेशा बना रहता है। देखिए मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ना, बस वही यही बात बताना चाहता हूँ कि पिछली बार से इस बार बच्चों का 25 मार्क्स ज्यादा अच्छा है, एक एवरेज देखा जाए लोअर साइड में, अपर साइड में वो 20 भी है और अपर जाएंगे तो 15 भी है। ठीक है अच्छा, आप ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि उसमें से कितने बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं और कितने बच्चे छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, ये आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, वो आप तभी बोल पाएंगे जब आपको CG का रैंक लिस्ट आएगा या CG का रैंक जब आएगा ना, उसके बाद तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो उसके पहले क्या होता है कि आगे पीछे रहता है, एक आगे पीछे चलता है, आप भी समझ सकते हैं कि मैं सिर्फ डेटा एनालाइज करके ही बोल रहा हूं, मैं किसी को कॉलेज नहीं दिला रहा हूं। ठीक है पंकज जी और श्रेया बेटा, तो आप लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा कि 547 मार्क्स आया है ना, है ना, तो अगर मेरे तरफ से देखिएगा तो GMC पक्का है। ठीक है 547 मतलब GMC पक्का है, लेकिन फिर भी मैं आज बोलूंगा 98%, अगर उस 2% को ही बढ़ाना है ना तो इसको 550 कर दीजिए, 550 अगर किसी बच्चे का आया है तो उसको 100% GMC UR में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका 547 आया है या श्रेया का, इनका शायद 500 कुछ, इनका भी 47 ही है, नहीं मिलेगा, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, लेकिन देयर आर ऑलवेज 1-2% चांसेस, मैं यही बात मैं लास्ट रिप्लाई करूंगा है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, तो मैं पूरे काउंसलिंग के दरमियान आपका डाउट्स क्लियर करते रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सर, कोई भी डाउट हो आप पूछिए मुझसे, ठीक है।